नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबरों का। यूपी के हाथरस से मथुरा की ओर तेज गति से आ रही मालगाड़ी ट्रेन के आगे एक लड़की ने छलांग लगा दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। शव को देखने से लग रहा था कि मृतका किसी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। बता दें कि मथुरा मार्ग स्थित सुंदरबाग के सामने सुबह लगभग 6 बजे एक युवती रेल पटरी के पास टहल रही थी। कासगंज से मथुरा की ओर जाने वाली मालगाड़ी जैसे ही आई, युवती ने उसके आगे छलांग लगा दी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। ट्रेन गुजर जाने के बाद खेतों पर काम कर रहे खेतीहार किसान घटनास्थल पर आ गए। सूचना थाना हाथरस गेट कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, मगर उसकी पहचान नहीं हो सकी। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका ने जीन्स व स्कर्ट पहन रखी थी, रंग गोरा था, देखने में किसी भले परिवार की लग रही थी। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? यही रहते हैं? किस गांव में रहते हैं? नगरानंदू। क्या हुआ यहाँ का? लड़की कट रही है, रेलवे वाले आ गए, पुलिस भी आ रही है, थोड़ी देर में पता चले कौन है, किस ये सुबह सुबह कटी है ये नहीं हमें पता। अच्छा, सुबह इसकी बॉडी मिली है जब लोग आए, जब लोगों को बॉडी दिखाई दी जब आए सब यहाँ पे।